चैत्र नवरात्रि 2019, अष्टमी 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को। रामनवमी कब है? नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए? मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम चैत्री नवरात्रि की अष्टमी के संबंध में जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि अष्टमी को लेकर के कई प्रकार के मतभेद और भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है। श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है, जिसे वर्ष में दो नवरात्रि के रूप में खास तौर से जाना जाता है। हालांकि एक वर्ष में चार नवरात्रि आती है, दो गुप्त नवरात्रि और दो प्रकट नवरात्रि। सबसे पहली जो प्रकट नवरात्रि होती है वो चैत्र नवरात्रि होती है, और चैत्र नवरात्रि में आदिशक्ति जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और महानवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस अष्टमी को कुलदेवी का पूजन अर्चन किया जाता है, वहीं नवमी के दिन भी अपनी अधिष्ठात्री देवी का पूजन किया जाता है, जो कि शुभ फलदायक और कल्याणदायक होता है। भक्त जनों को मनवांछित फल देकर 9 दिन तक लगातार चलने वाले व्रत व पूजन महोत्सव के संपन्न होने का पूर्ण फल अष्टमी नवमी को ही प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक सद्गृहस्थ जीवन के अनेक शुभ लक्षणों, धन ऐश्वर्य, पत्नी पुत्र पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त होकर जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से बीमारी, महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक उपद्रव व शत्रु आदि सारी पीड़ाएं भगवती की आराधना से समाप्त हो जाती है। इस पूजा में विशेष रूप से देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, और जगदम्बा की पूजा अष्टमी के दिन करने का विशेष विधान है, क्योंकि अष्टमी के दिन कुल देवी का विशेष पूजन करने का भी महत्व बताया गया है। जिनको अपनी कुल देवी का ज्ञात है या कुल देवी के बारे में जानकारी है, वो अपनी कुल देवी का पूजन इस दिन करते हैं। वहीं जिनको कुल देवी के बारे में पता नहीं है, वो माँ जगदम्बा को ही अपनी कुल देवी मान करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवी जगदम्बा दुर्गा का ही एक स्वरूप माना गया है। और इस बार जो तिथि का संयोग बना हुआ है वह इस प्रकार है। 12 अप्रैल को दोपहर 1:24 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल दोपहर 11:42 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यदि आप अष्टमी का पूजन शाम के समय करना चाहते हैं तो आप 12 अप्रैल के दिन शाम के समय कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ प्रातःकालीन वेला में अष्टमी का पूजन होता है तो आपको 13 अप्रैल शनिवार के दिन ही अष्टमी का पूजन करना चाहिए। यदि शाम के समय या रात के समय आपके यहाँ दुर्गा अष्टमी कुलदेवी का पूजन होता है तो आपको 13 अप्रैल 2019 शुक्रवार को दोपहर 11:42 के पहले कर लेना चाहिए, यानी 12 अप्रैल को दोपहर 1:24 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि शनिवार यानी 13 अप्रैल दोपहर 11:42 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी आपको यदि शाम के समय देवी का पूजन करना है, कुल देवी का पूजन करना है, अष्टमी का पूजन करना है, तो आपको 12 अप्रैल के दिन ही कुल देवी का पूजन कर लेना चाहिए। और यदि आप उदिया तिथि के अनुसार मानते हैं या दिन के समय या सुबह के समय आप कुलदेवी का पूजन करते हैं, अष्टमी का पूजन करते हैं, तो वह आपको 13 अप्रैल शनिवार के दिन दोपहर 11:42 के पहने पहले कुलदेवी का पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वहीं रामनवमी के संदर्भ में भी कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उदिया तिथि के अनुसार नौमी तिथि तो 14 तारीख को है, लेकिन कुछ पंचांगों में बताया है कि नौमी तिथि जो है एक दिन पहले यानी 13 तारीख को 11:42 से प्रारंभ हो जाएगी।
13 तारीख को नौमी तिथि 11:42 से लेकर के 14 तारीख को सुबह 9:36 तक नौमी तिथि रहेगी। इस दौरान आप नौमी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन रामनवमी राम भगवान का जो प्रागट्य है उसका जो विशेष संदर्भ श्री रामचरितमानस में इस प्रकार बताया गया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान के प्रागट्य के संबंध में लिखा हुआ है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी नौमी तिथि थी मधुमास, यानी चैत्र मास का जो महीना था वह था, और शुक्ल पक्ष था, और मध्यान काल यानी अभिजीत मुहूर्त में उनका प्रागट्य हुआ था। अभिजीत मुहूर्त जो कि प्रत्येक दिन दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 यानी सूर्य देवता ठीक मध्यान्ह में यानी बीच में रहते हैं, उस समय अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसलिए यदि आप रामनवमी का महापर्व मनाने जा रहे हैं तो आपको 13 अप्रैल के दिन ही रामनवमी का महापर्व मनाना चाहिए। अब रामनवमी के महापर्व के बाद आपको देवी का विशेष पूजन अर्चन करके कन्या भोजन और नवरात्रि का यदि विसर्जन करना है तो वह आपको 14 अप्रैल के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है और नौमी तिथि के दिन कन्या भोजन, देवी का विसर्जन, हवन, भंडारा इत्यादि कार्य आपको 14 अप्रैल को ही संपन्न करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का अष्टमी नवमी को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसका जवाब अवश्य ही देंगे। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।